कृषि बिल के विरोध में किसानों ने किया राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम। सड़क पर बैठे सैकड़ों किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 किसान बिल के विरोध में एवं किसान बिल को वापस किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में आज देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया गया था, जिसके बाद आज रीवा में किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक एडवोकेट शिव सिंह, किसान नेता सुब्रतमणि त्रिपाठी, कुंवर सिंह व जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू एवं ग्रामीण अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ल के नेतृत्व में 3 घंटे का चक्का जाम किया गया। किसानों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन व आंदोलन किया जा रहा है और विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस भी किसानों के साथ इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल खड़ी हुई है। वहीं इस आंदोलन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है। प्रस्तुत है आंदोलन की झलकी सहित किसान नेता सुब्रतमणि त्रिपाठी एवं जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू से जानकारी के अंश। आज चक्का जाम है, आप देख रहे हैं कि हमारे देश के किसान 2 महीने से ऊपर हो गए दिल्ली की सरहद में बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ चाइना में और पाकिस्तान के लिए इतनी तारें न लगी होंगी, देख रहे हैं आप बॉर्डर को कैसे सील कर दिया गया है। ये देश का किसान हमारे संसदों को संसद तक पहुँचाता है, उस किसान की कितनी उपेक्षा कर रही है सरकार। आज देशव्यापी संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है, पूरे देश में चक्का जाम है, क्योंकि हमारे देश की सरकारें कहती हैं कि सिर्फ ये पंजाब हरियाणा भर का आंदोलन है। हम आप इनके चैनल के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय सभी जनों से ये बात कहना चाहते हैं कि ये पूरे देश का आंदोलन है, ये एक एक किसान का आंदोलन है। ये आंदोलन जब तक नहीं रुकेगा, जब तक ये किसान के तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, हम देश के किसानों को अपमानित ना करें प्रधानमंत्री जी। ये कीलें, ये रास्ते बंद करना, ये बैरिकेटिंग बंद कर दें, नहीं तो किसी भी जनप्रतिनिधि को अब किसान गाँव में घुसने नहीं देगा। हम किसान, देश किसान जीने से बेजार हैं, हम भी तो आखिर उस लाल किले के असली हकदार है। क्या लगता है आपको, सरकार आपकी किसानों की मांगें माने? सरकार को किसानों की बातें माननी पड़ेगी। हम लोग इस देश में 65% से अधिक हम किसान हैं। हमारे किसानों को जाति में, पार्टी में, प्रांतों में विभक्त किया, इस आंदोलन ने देश के किसानों को एक किया है और ये देश के किसान आम जनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार पिछले 90 दिनों से किसान इस कड़कड़ाती ठंड में जन बच्चों सहित, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं कड़कड़ाती ठंड में बैठे हैं। 123 लोग किसान शांत हो गए। मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, मामा दिल की बात कर रहे हैं। रीवा में मामा आते हैं तो कहते हैं कि रीवा मेरे दिल में बसता है। सब चीज़ अगर इनके दिल में बस रही है तो इनके दिल में किसान क्यों नहीं बस रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये गोदी मीडिया को लगातार पूछना चाहिए कि जो मन की, दिल की सारी बातें आप कर रहे हो, आप किसान की बात नहीं कर रहे हो, क्या चाह रहे हैं? हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि काला कानून, 3 काला कानून वापस कर दो। हम निवेदन करते हैं मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के मोहन भागवत जी से, मोहन भागवत जी आपकी चड्डी अच्छी है, आपकी टोपी अच्छी है तो हमारा किसान हमारे दिल में बसता है, जिस तरह आपकी टोपी और चड्डी आपके दिल में बसती है। आप ये काला कानून वापस लीजिए, नहीं तो ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। जैसा किसान नेता हमें निर्देशित करेंगे, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय कमलनाथ जी निर्देशित करेंगे, कांग्रेस का जन जन किसानों के साथ, युवाओं के साथ और देश के साथ खड़ा रहेगा। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 किसान बिल का विरोध करते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र मिश्र, बैकुंठपुर कृषि उपज मंडी के उपाध्यक्ष डॉक्टर एसएस तिवारी, कांग्रेसी नेता एवं समाज सेवी द्वय अनुपम तिवारी व शिव प्रसाद प्रधान ने कहा कि ये देश के लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जब 2.5 महीने हो चला है और देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर उतरकर अपने वाजिब हक और जायज़ मांगों के लिए आंदोलनरत है, लेकिन सत्ता के मद में कुंभकर्णी नींद सो रही है सरकार, उस अन्नदाता के जायज़ हक और वाजिब मांगों को उसे देने के लिए, उनके अधिकारों को उन्हें देने के लिए तैयार नहीं है। कि किसान के संबंध में जो हमारे कृषि के बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे विचार विमर्श करके, और ये जो 3 अध्यादेश है जिसमें हठ धर्म चल रहा है उसको समाप्त कर दें। अपने आप में ये किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा। और ये हमारे कहना है कि किसान के हित में जो भी हमको करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना चाहिए।
जो किसानों की ताकत है उसको सरकार ने तरीके से समझा नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं की। और दुर्भाग्य ये है कि इतने दिनों से, जैसा आपने कहा कि 72 दिनों से वो आंदोलन चल रहा है, इतने दिनों से इस आंदोलन को चलने के बावजूद भी जिस तरीके से किसानों की समस्या को हैंडलिंग करना चाहिए, सरकार ने उसको तो उस तरीके से हैंडलिंग किया ही नहीं। और अब तो जो जिस तरीके का हो रहा है वो एक तरीके से संघीकरण दिखाई पड़ रहा है। बाड़ लगाना, कील ठोंकना, रास्ते रोकना, बजाय उसके उनकी जो वास्तविक मांगे हैं, एक तरफ कोर्ट न्यायालय कह रहा है, दूसरी तरफ से वो भी कह रहे हैं कि 1.5 साल के लिए हम इसको मुलतवी कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर कोर्ट का एक तरीके का भाव, दूसरी तरफ आप भी 1.5 वर्ष के लिए उसको मुलतवी करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं आप ये हठ में देश चलाना चाहते हैं? तो हठ में तो देश नहीं चलेगा। अगर हमारे देश का किसान, उसको आशंका है अपनी ज़मीन पर, अपने कृषि उत्पाद पर, और वो कहता है कि हमको ये बिल नहीं चाहिए, तो सरकार को ज़बरदस्ती वो बिल देने की आवश्यकता नहीं है। और इतना बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं मान रहे, वास्तव में सही बात ये है कि प्रधानमंत्री के लगता है अब बस में नहीं है उस बिल को वापस लेना, क्योंकि कॉरपोरेट के लोगों ने बिल अपने इच्छा मुताबिक, अपने लाभ और हित के मुताबिक पास कराया है। जब तक वो सहमत नहीं देंगे तो प्रधानमंत्री लगता है चाहते हुए भी वो बिल वापस नहीं कर पा रहे।